हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चंस है। चैप्टर्स का नाम है लॉ ऑफ मोशंस। ना सी द क्वेश्चन। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट। देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर्स पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे अब्दुल का घर है पॉइंट ए पे और स्कूल मान लीजिए पॉइंट बी पे अब्दुल का स्कूल से, ठीक है। तो अभी क्या करता है अब्दुल, क्या ड्राइविंग करके जाता है। मैं इसका मतलब कि वो फोर व्हीलर्स कार लेके जाता है कहाँ, घर से स्कूल। मान लीजिए ये घर से स्कूल है, तो घर से जब स्कूल जाता है तो उसको एवरेज एवरेज स्पीड कितना, एवरेज स्पीड कितना पे जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जब जाता है, फ्रॉम ए टू बी, तो उसका एवरेज स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए कि जब एवरेज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है। तो मेरा एवरेज स्पीड कितना है, दैट इज 20 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, ये भी मान लेते हैं। और टोटल टाइम मान लीजिए T1 लगता है, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन एक मान लीजिए 1 है। आप बोल रहे हैं कि फिर जब घर से, जब स्कूल से वो घर आता है, तब उसका जो एवरेज फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, मतलब स्कूल से जब घर आ जाता है तो इसका एवरेज स्पीड कितना होता है, एवरेज स्पीड हो जाता है उसका 30 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि उस टाइम वो इतना ट्रैफिक नहीं रहता है, वो खाली मतलब रास्ता खाली रहता है, तो वो स्पीड अपना बढ़ा लेता है। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, दैट इज टोटल डिस्टेंस कहाँ, बी टू ए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लिखेंगे, यस या नो। तो मेरा एवरेज स्पीड बी टू ए कितना था, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना, बी टू ए या ए टू बी, सेम होगा, तो हम ए टू बी ही लिखते हैं, या और बी टू ए, दोनों में से कोई लिखिए। तो टोटल टाइम कितना लगा, जब स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कुछ घटेगा, तो ये हम टू टी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, इसको 30 इज इक्वल टू ए बी बाय टू टी लिखेंगे, ये मेरा इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमको क्वेश्चंस में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इस दोनों मतलब स्कूल से घर और घर से स्कूल आने में उसका टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा, वो हमको निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब अब्दुल का ट्रिप जो किया स्कूल से घर और घर से स्कूल, तो उसका वो एवरेज स्पीड निकालने बोला है। तो हम लोग एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप मतलब क्या हो गया, तो कितना हो गया, टोटल जो डिस्टेंस क्या, ए टू बी और बी टू ए, तो ए बी प्लस ए बी बाय टोटल T1 प्लस T2, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। आप देखिए कि ये ए बी और ए बी कितना, 2 AB होगा, ठीक है। अब T1 का है और T2 का, तो हम इक्वेशन 1 से T1 का वैल्यू कितना लेंगे, T1 इक्वल टू ए बी बाय 20 लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरह T2 का वैल्यू कितना लिखेंगे, ए बी बाय 30 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये T1 और T2 का वैल्यू कितना, इक्वेशन T1 और T2 की जगह में पुट कर देंगे, मतलब ये इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो आप देखिए 2 AB, T1 की जगह कितना लिखेंगे, ए बी बाय 20 लिखेंगे, और प्लस T2 की जगह में क्या लिखेंगे, ए बी बाय 30 लिखेंगे। दैट इज इक्वल क्या हो गया, यहाँ पर 2 AB हो गया, अब बाय कितना हो गया, यहाँ पे LCM लीजिए तो कितना हो गया, 60 हो गया, तो 2 3, तो 2 AB आप प्लस 3 AB हो गया, ये 2 AB हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए तो 2 AB अब बाय 5 AB, ये ऊपर चला गया तो इनटू 60 हो गया, तो AB कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 × 60 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, तो मेरा कितना हो गया, 12 × 2, दैट इज 24 किलोमीटर
पर आवर, मतलब मेरा क्या हो गया, टोटल एवरेज स्पीड्स ऑफ द ट्रिप ड्यूरिंग स्कूल स्कूल टू क्या होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम, तो कितना होगी एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।